जबलपुर में ओला कंपनी के टैक्सी कैब के संचालकों ने एसपी को भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कैब संचालकों से डुमना मार्ग पर खुलेआम गुंडागर्दी कर वसूली की जाती है। गाड़ियाँ किसी न किसी ये ऑनलाइन ड्यूटी आती है तो एयरपोर्ट जाते हैं और ऑनलाइन बेस एप्लीकेशन काम है और वहीं से सारी जो चीज़ें ऑनलाइन रिसीव होती हैं, बुकिंग भी जो आती हैं कस्टमर की तो ऑनलाइन आती हैं, वहाँ से बुकिंग प्राप्त होती है। पर वहाँ से लोकल जो भी उस क्षेत्र के रहने वाले नागरिक हैं, बंधु लोग हैं, वो लोग हमें मना करते हैं कि भाई वहाँ से गाड़ी की बुकिंग आप नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारी भी गाड़ी है, हमारी भी रोजी रोटी लगी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि हमारा व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारा ऐसा कोई झगड़ा या कोई ऐसी कोई बात विवाद की स्थिति नहीं है। हमने कोशिश करी कि ये चीज़ जो है आपसी तालमेल और समझौते के साथ निपटा ली जाए, पर वो नहीं हो पा रही थी अभी तक। सबसे रिक्वेस्ट करके देख लिए कि भैया इसको मैटर को सॉर्ट आउट कर दें। आज कहाँ आए? आज एसपी साहब के पास आए थे सब लोग ज्ञापन लेके।